मुझे शाम तेरा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। प्रथम गुराव जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कंठ करो परवे। श्री जानकी वल्लभ लाडले, श्री प्यारे हनुमान, हो सभा में आसन ग्रहण करो, तुम्हें बारंबार प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम, और खागुण शुक्ला मेला भरे, तुझे जय बाबा। कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हे हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आओ नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलु नास्त येव गतिरन्यथा। मॉनिटर में इसका थोड़ा सा डिले, रिपीट करिए, थोड़ा सा डिले करिए मॉनिटर में। हाँ, प्लेन आ रहा है मॉनिटर में, थोड़ा गेन से भी मॉनिटर में बढ़ाइएगा भैया। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, मुझे शाम तेरा कोई हमारा न होता, मुझे शाम तेरा सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, मुझे शाम तेरा सहारा न होता, मुझे शाम करने, सहारा एक काफी है, किनारे बहुत क्या करने, किनारा एक काफी है। इनको भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया, क्यों दिया, आप और हम सभी मिलकर के, जय जय, दोनों हाथ उठा करके और ताली की सेवा करते हुए कहेगा, मुझे शाम तेरा सहारा न होता, मुझे शाम ये।
जाते हैं, लेकिन अक्सर दुनिया कब पुकारती है? जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब भगवान याद आते हैं। मैंने रो रो के तुमको इसमें और इसमें, इन दोनों टोप में भी ग्रुप खोलिए और आप जरा दोनों हाथ उठाइए और ताली की सेवा करते हुए ताली बजाए मिलकर के। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, मुझे शाम तेरा सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। मुझे शाम तेरा बताना, जब जब भी आप भगवान के दरबार में जाते हो तो आपके मन में क्या बात आती है? सबसे पहली बात अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। कोई कहता है बाबा तेरे दर्शन करके आनंद आ गया, कोई कहता है बाबा मैं बड़ा दुखी होकर के आया हूं, तू मेरा हाथ पकड़ ले। कोई कहता है मैं किसी का सताया हुआ हूँ, मुझे अपने चरणों से लगा ले। कोई कहता है बाबा व्यापार नहीं चल रहा, अपनी कृपा बरसा दे। और कोई बेचारा ऐसा भी आता है जो सोच के बहुत कुछ आता है लेकिन बाबा को देख के सब भूल जाता है, ऐसा होता है? तो दोनों हाथ उठा के जोर से कहना जय श्री श्याम। बेटा कम करना जरा, सुने, बोलो जय श्री श्याम। और जोर से कहिए, दरबार में आके श्याम ये मेरा वक्त गुजर जाता है, कर्मों को मेरे तुमने सुधारा न होता, कर्मों को मेरे तुमने ताली बजाओ, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, ये दुनिया में कोई हमारा न होता। जो जो मेरे बाबा से प्रेम करते हैं दोनों हाथ उठाइए।
कितने लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं? अच्छा, हाथ नीचे करो। कितने लोग हैं जिनका अपना घर है जो किराए, अब बात सुनना ध्यान से, जो किराएदार हैं वो भी किराएदार हैं और जिनका अपना मकान है वो भी किराएदार हैं। किराया वो लेता नहीं है, किराए पे दे रखा है। ये घर भी दे रखा है और ईंट पत्थर का घर भी दे रखा है। जिस दिन रिचार्ज खत्म उस दिन घर खाली करो, चलो। जय हो। इसलिए हमेशा बाबा से ये कहना, क्या श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा। खुल सकते हैं इसके वॉल्यूम के, सारे बढ़ा दो, सारे वॉल्यूम बढ़ा दो, इनको भी बढ़ा दो, सबको उड़ा दो, ताली बजाओ मिलके। पहले आप ताली बजा करके मेरे संग लाइन गाओ मिलकर के। श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा है, बोलो श्याम। जो ऐसे बैठा है ना वो कह रहा है घर तो मेरा ही है, मैं क्यों बोलू, मैंने बनाया है, मैं रोज गधे की तरह मेहनत करता हूं। मेहनत गधा भी करता है लेकिन उसका घर नहीं होता है, नहीं होता, किसी का नहीं है। लाल किला जिसके पीछे इतने युद्ध लड़े गए, आज 20 रुपए की टिकट लेके कोई चले जाओ। जय हो। क्यों भैया, दुनियाएं मर कट गई जमीन जायदादों के लिए लेकिन मिट्टी कोई साथ नहीं ले पाया। अब इसलिए भगवान को कह दो कि जब आप कमिटा वहां दे के आओ, वहां पे दे आओ, श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा है, बोलो श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा है। मैं तो हूं घर का चौकीदार, श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा है। मैं तो हूं घर का चौकीदार, बुलाऊं कैसे मैं सामने, भाई जो मालिक है उसको चौकीदार कैसे बुला सकते हैं कि आप घर के अंदर पधारो। घर का मालिक है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, चौकीदार का काम है नमस्कार करना, सल्यूट करना। ये मालिक है, हम सब इनके घर के चौकीदार हैं, हैं कि नहीं? दोनों हाथ उठा के कहो मिल करके, श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा है, श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा है। मैं तो हूँ घर का चौकीदार, श्याम घर तेरा है नहीं कुछ मेरा है, घर का हूँ मैं तो चौकीदार। जितने लोग बालकोनी में बैठे और ताली की सेवा करना मिल करके, एक दो तीन एक
जिसको बीच में से उठ के जाना हो ना, वो पहले ही पीछे जाके बैठ जाना। सबको कह रही हूं, ऐसे तुमको पाप लगेगा। क्यों लगेगा? कि हम कह रहे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, और हम ना का उठ के चल पड़े। और अकेले नहीं, खुद तो जा रहे हैं। तू चल रही है कि मैं तो जा रही हूं? मैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जय हो। भजन में अगर आधे घंटे के लिए आए हो तो मत आओ, घर पर ही सो जाओ। आपके आपके शहर में पहली बार भगवान का इतना बड़ा संकीर्तन हो रहा है। रोज रात आती है, रोज ही सोते हो। घर के पहिए नहीं है जो भाग जाएगा कहीं, वो यहीं रहेगा। और बीच में से, भजन के बीच में तो बिल्कुल ही मत उठ के जाना, पाप लगेगा, आपको बता रही हूं मैं। अब दोनों हाथ उठा करके कहो, राधिका गोरी से, नीरज की छोरी। नहीं,
ये वो दरबार है जहाँ खोता नहीं है, जहाँ पाया जाता है। अब दोनों हाथ उठाओ, भैया आ रहे हैं, कीबोर्ड आ रहे हैं, कीबोर्ड आ रहा है। अब मैया कह रही है, लाला ऊपर आ जा, इधर आ, अरे आ जा, जल्दी आ, जल्दी जल्दी उठा के ले आओ। हाँ, ओ हो, अरे मैं कुछ नहीं करूं बेटा, बस इतना सा लाला, भैया फोटो खींच के तुरंत बैठ जाना, बैठ जाओ अब नीचे, इतना सा लाला और मैया से जाइयो मत। बेटा मैं मारूंगी नहीं, नहीं 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 नहीं, ठहरो, आप लोग ताली पैसे दूंगी, पैसे रुक जा, सभी लोग अच्छा इसके जितना, आ जा लाला तू, आ जा, ये देखो ये दाऊ जी है, बल ये श्याम जी, ये राम जी। अब दाऊ जी कह रहे हैं, बड़े भैया कह रहे हैं, कन्हैया मान जा तू अभी छोटा है, इतने छोटे बच्चे का ब्याह नहीं होता। ये तो रूठ के बैठ गया, मैया को समझा रहा है, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया बाबू घटना खोलेगी, तेरे सामने मैया बाबू घटना खोलेगी, दाऊ से जाग हो जाग हो, बैठेंगे बाहर पे द्वारिका गोली से, चलो।
जयकारा, दोनों हाथ उठा के कहूं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो जिनके 10 से ज्यादा रिश्तेदार हो वो बेचारे हमेशा ही परेशान रहते हैं, एक के जाओ तो दूसरा नाराज, दूसरे के जाओ तो तीसरा नाराज। इसलिए आज के बाद एक ही बात कहना, दूसरा हाँ
किसी की शादी में नाचने से कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान के आगे नाचोगे तो किसी के सामने ऐसे और ऐसे नहीं नचाएगा। जब अगर वो हाथ पकड़ लेता है ना तो आदमी ऐसा बावड़ा हो जाता, फिर किसी की परवाह नहीं करता वो, दुनिया जो मर्जी सोचे। सुन के नाचना, अगर आपका दिल करे तो नाचना। जब से पकड़ा हाथ तुमने मैं बड़ी मस्ती में,
म्यूजिकल ग्रुप के लिए जोरदार ताली बजा दो। सब बजाओ ना, भगवान से कहना हमारा काम होगा तुम्हारा नाम होगा, अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम होगा। हमारा काम होगा तुम्हारा नाम होगा। भैया अगर अगर भक्तों के भी काम नहीं हुए तो फिर तुमको कौन पूछेगा। हम अगर डूब गए तो लाज तुम्हारी जाएगी। हमारा काम होगा तुम्हारा नाम होगा, अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम होगा। एक भक्त जब मृत्यु से लड़के और मृत्यु को हराकर और ये प्रार्थना कर रहा था, हाँ और थोड़ा और बढ़ाओ यहाँ पे, ये बढ़ा रहा था प्रार्थना अपनी, अगर मैं बच गया तो हर ग्यारस पे कहीं भी हो उस दुनिया में खाटू आऊंगा। और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया वो बच कैसे गया। वो बचा तो जिंदगी बाबा की दी हुई थी और बाबा के चरणों में जाकर के और सीढ़ियों पे चढ़ते ही बोला लो आ गया अब तो शाम।